नमस्ते इंडिया, नमस्ते पहाड़। मैं हूं आपका दोस्त पहाड़ी यार, और आप मुझे देख रहे हैं पिंक सिटी जयपुर से। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज क्या होने वाला है हमारे होटल में, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको ये ब्लॉग पूरे एंड तक इन्जॉय करना है। अभी मेरे साथ में है कुंदन भाई, इनको आपने देखा होगा होटल में। तो क्या बोलना चाहते हो कुंदन भाई आज के बारे में, बताइए। बारे में क्या बोलते हैं, अब हम तो ड्यूटी जा रहे हैं। और मेरे सभी युवा साथी जिन्होंने कि हाल ही में उत्तराखंड पुलिस एग्जाम दिया था, उनको अग्रिम बधाइयाँ। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी जो है उत्तराखंड पुलिस का फिजिकल दिया था, लेकिन किसी कारणवश जो है मुझे जो है एग्ज़ाम देने का जो है मौका नहीं मिल पाया। तो बहुत सारी यार जो है ना काम हो जाता है ना, अब ऑनलाइन काम भी करना पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम वाला, और जो है ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो मतलब ज़िंदगी में ना पूरी व्यस्त ही व्यस्त है। वो साथ में जो है ना जॉब के साथ साथ में जो है आपके लिए ब्लॉग तैयार करना, फिर उसको एडिट करना, फिर उसमें जो है उसको यूट्यूब में अपलोड करना, फिर आप उस हमें देख पाते हैं। तो बहुत सारा मतलब यार बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है ना। लोगों को ऐसा लगता है यार कि बहुत आसान काम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैं अपने युवा साथियों जो कि उत्तराखंड से हैं, जिन्होंने कि अभी हाल ही में जो पेपर दिया था उत्तराखंड पुलिस का, क्योंकि मैंने जो पेपर देखा ना वो काफ़ी अच्छा बना रखा था, और जो उसमें करंट अफेयर्स आ रखी थी ना उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम में, वो थोड़ा जो है थोड़ा टप आ रखी थी, अगर जिन्होंने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स या जिनको टाइम मिलता होगा पढ़ने का। लेकिन क्या है ना यार, जो सिलेबस है ना वो अच्छा था, मतलब जहाँ तक मैंने देखा पढ़ा है, काफ़ी उत्तराखंड जो जीके उसमें काफ़ी अच्छी आ रखी है, और हिंदी भी बढ़िया आ रखी थी, और साथ साथ में और करंट अफेयर्स में थोड़ा मतलब नम मार्क्स जो है कम आ सकते हैं जो भी हमारे युवा साथी है। अदरवाइज़ आपका क्या कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आने वाले जो भी पेपर होंगे, एग्ज़ाम होंगे, तो हो सकता है उसमें मैं भी जो है पार्टिसिपेट करूं उन एग्ज़ाम में, और जितना टाइम मेरे पास रह जाता है ना उसके बाद मैं जो है पढ़ाई पर लग जाता हूं जितना मेरे को टाइम मिलता है, क्योंकि फालतू रह के कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी हम चलते हैं अपने होटल में और सीधे मिलते हैं आपको होटल में। दोस्तों, अब मैं यहाँ पे जो है पिज़्ज़ा बेस बनाऊँगा। तो सामने जो आप देख रहे हैं ये हमारा पिज़्ज़ा डो है, और अभी मैं यहाँ पर जो है थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बेस बनाऊँगा। और ये जो सामने आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो मशीन है, तो ये है हमारी वेफल की मशीन, और उसके बगल में जो आप जो देख रहे हैं ये हमारे जो है ग्रिलर है। तो इसमें जो भी हमारे जो सैंडविच आते हैं ग्रिलर सैंडविच, वो सब हम यहाँ पे देते हैं। और अभी मैं जो है पहले थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बेस बनाता हूँ ओवन में।
अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारे कितने पिज्जा बेस बन गए हैं। कुछ मैंने दो पिज्जा अंदर डाल रखे हैं और ये हमारे थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बेस। एंड आपको मैं अगर एक पिज़्ज़ा दिखाऊँ ना, ये देखिए आप इसकी, ये देखिए थिन क्रस्ट। अभी रात को 10:30 बज रहे हैं और रमोला सेब को थक लग गई है बहुत ज़्यादा और भूख भी लगी, बोला टाइम नहीं मिल रहा। क्या कहना बोल तब है जी, क्या बोल जान तुम बोला। वाह वाह। सो गाइस, कैसा लगा आज का ये ब्लॉग आपको, यार कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं वो भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और दोस्तों अगर आप मुझे फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक में फॉलो करना ना भूलिएगा, फॉलो का बटन है उसे आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो नई नोटिफिकेशन होगी वो आपको फेसबुक के थ्रू भी पहले मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते दोस्तों।